पंजाब के एक कॉलेज के अंदर हजारों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसी कॉलेज में सत्रह साल की एक स्टूडेंट करीब किया गया है डेंट तो तीन दिन पहले हुए हैं वो बच्ची कॉलेज में पन्द्रह दिनों से ये लड़की गायब है और उसके घर वाले इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ ग्यारह अक्टूबर दो को पाकिस्तान पंजाब लाहौर के एक कॉलेज से जिसका नाम है पंजाब कॉलेज और इसी कॉलेज के अंदर ऐसा नोना काम हुआ कि पूरी कंट्री पागल हो चुकी है क्योंकि किसी को भी सच पता ही नहीं चल रहा कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या ग्यारह तारीख को रोजाना की तरह यह लड़की कॉलेज खत्म होते ही वॉक करती हुई अपने घर की ओर रवाना हो रही थी और इसका घर कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलने वाली थी तो पीछे से एक गार्ड आता है और उसका नाम लेकर उसे पुकारता है तो तभी रुक जाती है और गार्ड आकर पूछता है कि क्या तुम यही लड़की हो तो वो आगे से बोल देती है जी मैं ही हूं वो तो गार्ड उसे बताता है कि जो फीस तुम कॉलेज के अंदर भरकर आई थी तुम्हारी डिटेल्स गलत है जिसके बाद सर ने तुम्हें बुलाया है वो डिटेल्स सही करने के लिए ऐसा सच भी था वो लड़की कुछ कॉलेज की फीस भर कर आई थी आती है और उसके साथ पीछे पीछे चली जाती है आगे बढ़ता हुआ गार्ड कॉलेज के ऑफिस की ओर नहीं जाता वो बेसमेंट की ओर जा रहा था बोलती है कि कॉलेज का ऑफिस तो दूस दूसरी साइड रह गया आप नीचे क्यों जा रहे हैं तो वह बोलता है कि सर को भी अभी याद आया वो अपनी गाड़ी निकालकर बेसमेंट की पार्किंग से जा रही थी तो उन्होंने मुझे बोला आपको बुलाने के लिए ये बात भी लड़की सच मान जाती है बेसमेंट के अंदर जाते ही एक छोटा सा रूम था जो कि गार्ड्स और ड्राइवर्स के लिए बनाया गया था वो गार्ड बोलता है कि सर मेरे रूम में ठहरे हुए हैं तुम आओ और उनसे मिल लो ऐसा ही होता है सत्रह साल की वो लड़की उसकी बात मान लेती है रूम के अंदर चली जाती है पीछे से वो जाता है और झट से वो रूम बंद कर देता है यह सारी कहानी उस कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज मीडिया पर बताई गई है इंटरव्यूज में उनका यह कहना था कि उस जगह पर वो गार्ड अकेला नहीं था उनके साथ जहां तो कोई वैन का ड्राइवर और या कॉलेज का ही कोई मेन आदमी वह भी इस घिनौने काम में मिला हुआ था अब तक लड़की को समझ आ चुकी थी कि वह इस चंगुल में ट्रैप हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ यह गिनना काम करना शुरू कर देता है बाहर बहुत सारे बच्चे अपने घर की ओर जा चुके थे लेकिन एक टीचर वहीं पार्किंग के आसपास जा रही थी उसे भी यह आवाजें सुनती हैं जो खुद घबरा जाती हैं और किसी को इस चीज के बारे में नहीं बताती रेप होने के बाद कॉलेज कमेटी द्वारा उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और लड़की को जल्द ही एम्बुलेंस में डालकर एक हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया जाता है ये कहानी ऐसे ही बिना किसी की नजर में आए थम जाती अगर तीन पेज ये स्टोरी ना डालते उन स्टोरीज में स्टूडेंट की आवाज उठाई गई कि इस कॉलेज के अंदर ये गिनौना काम हुआ है उसका रेप किया और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली कैसे मिली ये मुझे नहीं पता लेकिन उसके बहुत मतलब बुरी हालत थी बेहोश हो गई थी उसके मुंह पर से कचेस वगैरह थे हैं और ये बात मेरी फ्रेंड ने एडवाइजर से की हमारे फ्लोर के तो उस एडवाइजर ने कहा कि मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी आप अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जबकि ये बात सच है तो सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कॉलेज वालों के हाथ सरकार में ऊपर तक मिलते थे वह ये बात मान ही नहीं रहे थे कि उनके कॉलेज में कुछ ऐसा भी हुआ है 11 अक्टूबर को यह कांड हुआ और 15 अक्टूबर को अब तक बहुत सारे बच्चों को पीटा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से सस्पेंड कर दिए गए, न्यूज चैनल पर उस बच्ची के आते हैं और करके बोलते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे उसकी बैकबोन में चोट आई जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है इसमें तो इसमें यह है कि इसमें कोई चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हो गया है कि पांव स्लिप होने की वजह से वो गिरी है तो उनको पैर कोन पे चोट लगी है जिसकी वह वजह से वो आईसीयू में गई है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह पर बाद में हॉस्पिटल में से ख़बरें बाहर आई जिनमें बताया गया कि पूरे सात दिनों से यह लड़की सीरियस कंडीशन में है और हॉस्पिटल के आईसीयू में इसे रखा गया है और अब तक बहुत सारे स्टूडेंट और लोगों को पता चल गया था कि वॉक ही लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और इस बात को किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश हो रही है जिसके बाद मिनिस्ट्री का ही एक आदमी कॉलेज की के अंदर जाता है उसका झगड़ा कॉलेज वालों के साथ होता है और इंटरव्यू में बाहर आकर वो बोल देता है कि कॉलेज वाले सारी फुटेजेस सीसीटीवी की डिलीट कर रहे हैं और इस बात को किसी न किसी तरह दबाया जा रहा है जिसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की गिनती और ज्यादा बढ़ी पर फिर ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद इस मिनिस्टर ने अपने बयान बदले और कहा जो भी मैंने पहले बोला वो सारी बातें झूठ थी क्या दोस्तों आपको सुनकर यह नहीं लग रहा कि किसी न किसी तरह कॉलेज और, और गवर्नमेंट मिलकर इस सारे केस को और इस केस से जुड़े हुए एक एक आदमी को दबा रही है प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का यह कहना है कि अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसे सामने लेकर आओ या कोई उसकी सीसीटीवी फुटेज या लड़की खुद कोई वीडियो सामने डाले तो हमें पता चले कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पिछले दस दिनों से मैं सारी चीजें इंटरव्यूज पॉडकास्ट देख रहा हूं जिसके बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सचमुच ही उस लड़की के साथ यह गिनौना काम हुआ है और मुझे तो यह भी लग रहा है कि ऐसी कोई भी वीडियो उस लड़की की बाहर नहीं आएगी क्योंकि बड़े बड़े लोग इस कांड के अंदर शामिल हो चुके हैं उस को तो पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया लेकिन दूसरा आदमी अभी भी गायब है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ सचमुच ही यह काम हुआ या यह न्यूज फेक है कमेंट करके हमें जरूर बताना